आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपकी आठवीं क्लास की बुक वसंत भाग 3 में 13वां लेसन जहाँ पहिया है। आप सोचते होंगे पहिये का नाम सुनते कि ये क्या लेसन है, पहिया ये क्या सिखा रहा है हमें, लेकिन अगर आप बच्चों ध्यान से इसको सोचो, अपने माइंड पे ध्यान डालो तो क्या है पहिया। जब भी हम कोई साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, जब हमारी हम पहिये को आगे बढ़ाते हैं तो हमारी साइकिल कहाँ जाती है, आगे की तरफ बढ़ती है। तो इससे हमें यही चीज़ मिल रही है कि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, वो आगे बढ़ता रहता है। जैसे हम शुरू से ही कहा जाता है हमारा समाज क्या है, पुरुष प्रधान समाज है, तो उसको उससे आगे बढ़ने की, जहाँ लड़कियाँ घरों तक सीमित थी, लेडीज़ को कोई आगे आकर औरतों को कोई काम करने का अधिकार नहीं दिया जाता था, उनका तो घर में सिर्फ इतनी ही सीमा बंधी थी, घर में परिवार को पालना, उनके लिए खाना बनाना, पूरे परिवार की देखभाल करना, लेकिन उससे आगे निकलने की उन्होंने कोशिश की समाज में, और पुरुषों से जहाँ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश की। और इस कोशिश को करने के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या यूज़ किया, जहाँ पहिया, इसका मतलब साइकिल। कहने में बड़ा छोटा सा वर्ड लगता है साइकिल, अरे ये तो बड़ी आम बात है, लेकिन साइकिल आज के आधुनिक युग में हमारे लिए आम बात है, जहाँ लड़कियाँ बहुत आगे निकल चुके। लेकिन अगर हम पीछे वर्ग की तरफ देखें, जहाँ औरतों को, लड़कियों को पढ़ने तक की सीमा नहीं थी, जहाँ वे जा नहीं सकती थी पढ़ने के लिए भी, तो अगर उस तरफ हम झाँक के देखते तो उनके लिए घर से बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल था। और उस दायरे से बाहर आकर उन्हें साइकिल चलाना सीखा, धीरे धीरे उन्होंने अपना रास्ता खुद तलाशा, और आगे समाज के हर एक कदम, समाज के हर एक पुरुषों से कदम मिलाकर चलना शुरू कर दिया। यही एक इसी पर आधारित यह लेसन है हमारा, यह पाठ है जहाँ पहिया है। और इसमें हमें कभी यह कहना चाहता है, यह तमिलनाडु में पुडुकोट्टई नामक एक छोटा सा शहर था, छोटा सा कस्बा, वहाँ की घटना है जो एक सामाजिक, जहाँ साइकिल चलाने को एक सामाजिक आंदोलन का रूप दिया गया है। जैसे हम कोई भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो आंदोलन में कब बन जाता है, जब उसमें पूरा समाज शामिल हो जाता है। अगर हम अपने अकेले कोई अपने अधिकार के लिए लड़ता है तो वह आंदोलन कभी नहीं कहलाता, लेकिन अगर हम उसमें पूरे समाज की इन्वॉल्वमेंट कर देते हैं, पूरे समाज को शामिल कर लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है हमारे लिए, आंदोलन। तो इसीलिए साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन बन गया था। वहाँ पर नव साक्षर जितनी भी नई पढ़ी लिखी लड़कियाँ थी, उन्होंने क्या करा, साइकिल चलाने की शुरुआत की। धीरे धीरे वो घर से निकली साइकिल चला, जबकि उस समाज में जब उन्हें साइकिल चलाता देखा तो बहुत से लोगों ने उनका मजाक बनाया, उन पर नई नई बातें कसी, लेकिन उन्होंने किसी की भी चिंता नहीं करी। कुछ लोगों ने तो उन्हें यह भी कहा कि अरे साइकिल चलाना ये क्या काम लेके बैठ गई है, लेकिन उन्होंने किसी की चिंता नहीं करी और वो बढ़ते चली गई। और ऐसे करते करते एक से दो, दो से चार, उन्होंने इस तरह पूरे तमिलनाडु में पुडुकोट्टई समाज की सारी लड़कियों को अपने साथ शामिल कर लिया, इसीलिए इसको एक आंदोलन का रूप दिया गया है। अगर इसमें देखा जाए तो ज़्यादातर हमारा क्या है, रूढ़िवादी समाज से ज़्यादातर पहले मुस्लिम वर्ग की लड़कियों ने आगे निकलने की कोशिश की थी। इसमें जमीला बीबी नामक नाम की एक युवती ने साइकिल चलाना शुरू किया, और वो क्या कहती है कि यह मेरा अधिकार है, क्योंकि समाज में तो भगवान ने सबको बनाया है, किसी भगवान ने किसी के ये तो नहीं लिखा किसकी क्या सीमा है, कौन क्या कर सकता है, लेकिन ये सब हमने खुद बनाया है, खुद बनाया। तो वो क्या कहती है कि यह मेरा अधिकार है और यह मुझसे मछली कहीं भी आ जा सकते हैं। और उन्होंने इसी तरह साइकिल चलाने की शुरुआत की, और इसी तरह बहुत सी लड़कियाँ, जैसे कि फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती थी, और उन्हें साइकिल चलाने का एक ऐसा चाव लगा कि वह रोज़ आधे घंटे रोज़ अभ्यास करने के लिए चली जाती थी। और कुछ ऐसी लड़कियाँ भी थी जो साइकिल को ख़रीद नहीं सकती थी, तो उन्होंने क्या करा, किराए पर लेना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे बहुत सी उस समाज की लड़कियाँ, औरतें जो थी दूर दूर से सब्जियाँ लाना, पानी भर के लाना, छोटे छोटे सामान बनाकर बाहर भेजना, उन सबको वो साइकिल पर करने लग गई। इससे वह जो पुरुषों पर निर्भर रहती थी उनसे उनकी निर्भरता ख़त्म हो गई, और वो क्या बन गई, आत्मनिर्भर बन गई। और आत्मनिर्भर बन गई, और उन्होंने किसी की तानाशाही, किसी के ताने, किसी पर ध्यान नहीं दिया, वो अपने आप को आगे बढ़ाती चली गई इस तरह। और जब इसी तरह वहाँ एक साइकिल बेचने वाला था, तो उसकी साइकिलों की बिक्री में दिन प्रतिदिन रात वृद्धि होती चली गई। और जब आयकर विभाग के लोग आए तो उन्होंने उससे क्या पूछा कि भाई कितनी है, लेकिन उसने अपना कर छुपाने के लिए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कर देना पड़ेगा, तो उनको सही अनुमान भी इसका नहीं दिया। लेकिन उन्होंने सोचा, लेकिन इसी पर एक बार ये जब है साइकिल चलाने जा रही थी, तो वो जो वहाँ पर वो थे, तो उन्होंने क्या कहा था, इससे क्या तुम्हारी आमदनी होगी, लेकिन उन्होंने इस बात को कभी इतने उससे लिया ही नहीं था कि ये खाली एक आय का साधन नहीं। अभी वो महिलाओं ने, वहाँ की पिछड़े समाज की लड़कियों ने बाहर कदम निकाला है। जैसे ही वो साइकिल पर धीरे धीरे करती रही, उन्होंने आगे कदम
एक से दो, दो से चार और इस तरह आगे समाज के साथ, वो भी कंधे से कंधा मिलाकर चलना उन्होंने शुरू कर दिया। उनकी पुरुषों पर निर्भरता खत्म हो चुकी थी, ना उन्हें बसों का इंतजार करना पड़ता था, अपना सामान खुद लाने लग गई थी। अब वो अपने लिए सामान, उनके लिए समय बच जाता था। इससे पहले जो चार घंटे में काम होता था, साइकिल चलाना सीखने के बाद उनका काम वही आधे एक घंटे में होने लग गया। और घर का भी काम करती थी और इसके साथ साथ वो बाहर का भी काम करती थी। और इस तरह उस समाज में औरतों ने और लड़कियों ने एक आंदोलन का रूप दे दिया, और सारी लड़कियों को जो समाज की पिछड़ी हुई लड़कियाँ थी उनको बाहर निकलने की एक नई दिशा मिली। और क्योंकि दोस्तों बच्चों वैसे भी कहा गया है कि यदि हम समाज में यदि हमें कुछ भी करना होता है और हम अगर हम अपने अधिकार के लिए अगर हम अपने सही अधिकार के लिए खुद नहीं लड़ेंगे तो उसकी शुरुआत कोई भी बाहर का आदमी नहीं, हमें अपने अधिकार के लिए खुद ही लड़ना पड़ता है। लेकिन जब अगर हम सही अधिकार के लिए लड़ रहे हैं तो हमारे साथ एक के साथ दस शामिल होकर हम उसको आगे आंदोलन का रूप दे सकते हैं और अपने हर कदम में जीत हासिल कर सकते हैं। तो यह इसी पर आधारित है। अब बच्चों ये बताओ कि हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च से शुरू हुआ था मनाना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ठीक है बाद। अब यह जिला काफ़ी पहला जैसा नहीं हो गया था, यहाँ पर लड़कियाँ काफ़ी आगे निकल गई थी और काफ़ी काम करने लग गई थी, अपने आप कामकाजी महिलाएं बन गई थी।